Desolate roads, abandoned homes, dilapidated buildings. That is how one can describe this area of Delhi. We are in Narela, Delhi's third mega sub city after Rohini and Dwarka, also frequently termed as a ghost town. Lying in the northwest Delhi district and covering an area of about 9,688 hectares, this place has a Delhi pin code, but it is a ghost town. Building of subsidies. Is a part of Delhi government's urban extension project. It has been in work for several years, and though it yielded some results in Rohini and Dwarka, Narela has had a different trajectory. DDA's residential project, which was once sought after, has not fared well in Narela. But how is it that providing affordable accommodation, wide roads, and parks are not enough to attract buyers? Upper civil system yahan present. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है बट सबसे मेन रीज़न यहाँ पे लोग फ्लैट्स को आ, सरेंडर कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है यहाँ का जो भी सेवरेज सीवरेज सिस्टम टी ने बनाया हुआ है वो ब्लॉक्ड है पूरी तरह से ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से वो पानी बैक जा कर के हमारी सोसाइटी में फैल रहा है जिसकी वजह से बहुत तरह की बीमारियाँ फैल सकती है बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर चौबीस घंटे डस्ट उड़ती रहती है आप देख सकते हो रोड की हालत यहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट है और यहाँ से बहुत हैवी हैवी व्हीकल्स पास होते हैं और ये सारा डस्ट उड़ता रहता है पूरे दिन उड़ता रहता है आप देख सकते हो जिसकी वजह से लोग अगर आते हैं तो वो एक प्रॉपर बसी हुई सोसाइटी को देखते हैं और इनका जब उनको आइडिया लगता है कि यहाँ की ये यह हालत है तो वो सरेंडर करना ही अच्छा समझते हैं अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि यहाँ पे लगभग सिक्स के अराउंड फ़्लैट्स होंगे जो अलॉट हो चुके हैं आउट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सरेंडर करना चाहा बट उस टाइम पे वो कर नहीं पाए अब वो पछता रहे हैं बिकॉज़ अब उनके वो वो ना ना फ्लैट रीसेल के लिए जा सकते हैं ना कुछ अनसेफ लाइटें नहीं है लाइटें बाहर रोड पर हाईवे पर लाइटें नहीं है और जो ये हम गेट से बाहर निकलते हैं भी सारा अंधेरा रहता है अगर हम आठ बजे के बाद आते हैं तो लगता है कि पता नहीं कोई पकड़ ना ले रास्ते में अगर अपने व्हीकल से भी आना है तब भी डर लगता है रोड टूटी हुई है हाँ, रोड बन जाए अच्छा ये हो जाए स्ट्रीट लाइटें बाहर के चलती नहीं मार्केट का तो जी कुछ मोर मॉल मार्केट कुछ भी नहीं है सिवाय दारू के ठेके हैं जी हाँ हमारे पास में यहाँ नजदीक लगे हुए हैं के पड़े होते हैं अब जब पीते हैं रोज सस्ती मिल जाती है तो फिर लूट पाट करते हैं किसी का पर्स छीनेंगे किसी का बैग छीन लिया वो लेके फिर उसको बेच खोज करके मतलब दारू पीते हैं पड़े रहते हैं फ्रॉम to sewage water logging and other infrastructural issues, नरेला रेजिडेंस डिक्राई देअ लिविंग कंडीशन दे एल एच रोहिण एंड द्वारका सब सिटीज आर गि मोर फोकसड बाई द डी डी ए नरेला में बहुत कमियाँ हैं नरेला एक आउट एरिया है तो जो रोहिणी और क्या कहते हैं द्वारका वाला एरिया है वो एक डेवलप है ये इतना डेवलप नहीं है इसको कोशिश हो रही है इसकी लेकिन अभी नहीं है ये DDA has made promises of introducing the Rathala-Bhavana-Narela corridor, part of Phase 4 of the Delhi Metro, to boost connectivity and bring the subsidy at par with other parts of Delhi. से निकाला है कोई भी उधर जाना हमारे नरेला क्षेत्र का सेक्टर ए वन ए फोर का आदमी कोई भी उधर जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहाँ से जी टी करनाल रोड बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है और अगर वो मेट्रो जहांगीरपुरी वाली मेट्रो हमारे इधर से आती सिंगू बार्डर तक तो यहाँ के लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल जाती और ये फ्लैट डी के अब तक बिक गए होते डेट इज़ द रीज़न के कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ से लोग उधर जाना पसंद नहीं करेंगे और उस मेट्रो का हमें आने वाले समय में बेनिफिट भी नहीं होगा हमारे लिए आउटर से आउटर में जाना है और किसी को दिल्ली में जाना है अंदर जाना है बेसिकली सेंट्रल दिल्ली के एरिया में जाना है तो वो जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए तो

ऑनलाइन मैंने उनको बता दिया भाई इसी तरह से भर लीजिए नब्बे में से नाइन्टी परसेंट लोगों ने सरेंडर कर दिया ड्यू टू रीजन इज के उनका पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाया बहुत से डर गई ये तीन लाख रुपए का क्राइटेरिया मेरे पास तो ज़्यादा पेमेंट है मेरी आई ज़्यादा मैं नहीं भर सकता अभी जो डी ने किया है कि नब्बे परसेंट लाख का जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म कर दिया अब अब दस लाख की इनकम पे उसको चाहिए लेकिन वो लोग तो सरेंडर तब तक कर चुके थे जब तक ये अनाउंसमेंट डी ने किया तब तक वो लोग नाइन्टी जो मैंने नब्बे फॉर्म भरवाए थे डी के सब के ड्रॉ में नाम आए लेकिन उन्होंने 90% परसेंट ने सरेंडर कर दिया डेट इज द रीजन कि उनको फाइनेंस नहीं हो पाया